हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही वंडरफुल एंड इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग स्पॉटलेस हो जाएगी और गोरी हो जाएगी। पहली बार के इस्तेमाल से ही मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था, तभी मैं आपके साथ आज इस रेमेडी को शेयर करने वाली हूँ। ये आपकी स्किन को ब्लीच करेगी, लेकिन ये केमिकल वाली ब्लीच नहीं है। ये हमारी किचन में जो अवेलेबल सामान होता है उसी से हमने इसे तैयार किया है, जो कि 100% नेचुरल है और ये आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। मैंने अभी अभी ये पैक अपने फेस पर अप्लाई किया था और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना। आप इसे अगर एक बार लगाओगे तो बार बार इस ब्लीच को बनाकर आप अपने फेस पर यूज़ करोगे। जापानी लोगों की गोरी चिट्टी स्किन का सीक्रेट आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस सीक्रेट स्किन वाइटनिंग ब्लीच एंड पॉलिशिंग को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेने होंगे प्लेन वाइट कलर के चावल। आप किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनी के चावल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। जो आप वाइट चावल खाने में यूज़ करते हैं, आपको वही चावल लेने हैं। आपको इन चावलों को पीस कर फाइन पाउडर बना लेना है आधी कटोरी, और उस पाउडर में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ मिलानी है जिससे कि आपकी एक स्किन एकदम से गोरी चिट्टी सफ़ेद हो जाएगी, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, चावल में भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी स्किन पर कभी भी रिंकल्स नहीं आने देती। आपको इन चावलों को अच्छी तरह से पीस लेना है और आपको 2 चम्मच भरकर एक बाउल में चावल का पाउडर ऐड कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप वीक में 2 बार भी इस पैक को लगाते हो तो आपके चेहरे पर बुढ़ापे के साइन कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, आपको इसमें यूज़ करना है 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जिसे हम खाना सोडा और मीठा सोडा बोलते हैं। आपको वही इसमें बेकिंग सोडा यूज़ करना है। दोस्तों, आपको बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना है, बेकिंग सोडा ही इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट, आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। आपके घर पर अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पर किसी भी ब्रांड की एलोवेरा जेल है तो आप उसे यूज़ कीजिए। 1 चम्मच भरकर इस बाउल में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, जो चीज़ हम इसमें मिलाने वाले हैं वो है दूध। आप चाहे रॉ मिल्क यूज़ कीजिए या फिर बॉइल्ड मिल्क यूज़ कीजिए, आप दोनों में से कोई भी दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध या फिर उबला हुआ। आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमें एक चीज़ और इस पैक में ऐड करनी है, जो कि इस पैक में जान डाल देगी, वो है विनीगर। आपको जो किचन में हम सिरका यूज़ करते हैं वही विनीगर यूज़ करना है, बट आपको प्लेन नॉन फ्रूट विनीगर यूज़ करना है। इस विनीगर में कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्लेन विनीगर नॉन फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। आपको यही सिरका 1 चम्मच के करीब इस पैक में ऐड करना है। जो ये सिरका है वो हमारी स्किन पर एक अलग तरह की चमक लेके आएगा। इसको लगाते ही आपकी स्किन एकदम से पॉलिश हो जाएगी, आपकी स्किन में नई जान आएगी। अब आपको इस पैक में दूध उतना ऐड करना है जितना कि आपका स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हो। दही दूध दोनों में से एक चीज़ डालकर इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए। और अब आपको इस पैक को किस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, यूज़फुल लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती है। आपको मैं पहले लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ कि मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है।
आप देख सकते हैं कि बिना मेकअप के मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, मेरे फेस पर कितनी चमक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा भी इसी तरह से चमके तो इस पैक को बनाएं जिस तरह मैंने आपको बताया है, और जिस तरह से मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करना है और किस तरह से इसे रिमूव करना है, वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखें और उन टिप्स को फॉलो करके ही अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर इस पैक को अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी इस ब्लीच को, पॉलिशिंग को अपने फेस पर लगाएं, उससे पहले आपका फेस एकदम से क्लीन होना चाहिए। मीन्स कि आपके फेस पर कोई भी क्रीम या मेकअप नहीं होना चाहिए। आपने लाइव देखा ही है कि मेरे फेस पर कोई भी क्रीम मेकअप नहीं है, मैंने फेस को वॉश किया था। अभी मैं इस पैक को अपने चेहरे पर आपको लगा के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसकी मोटी लेयर अपने चेहरे पर लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताजो मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप मेरी हर वीडियो देख पाएँ, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, चाहे वो कोई भी फेस पैक हो या फिर हेयर पैक। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है। अब आपको अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और अपने पूरे फेस पर इसे लगाकर इस तरह से कम 5 मिनट तक अपने फेस को धीरे धीरे रब कीजिए सर्कुलर मोशन में। जितना आप धीरे धीरे इसकी मसाज करेंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, आपकी स्किन पॉलिशिंग होगी, आपकी स्किन पर जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। चेहरे पर जितना भी कालापन है वो सारा निकल जाएगा। 5 मिनट रब करने के बाद अब मैं आपको अपना फेस को क्लीन करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके घर पर कोई भी स्पंज है या फिर आप कॉटन का हैंकी ले लीजिए, उसे इस तरह से पानी में डिप कर अपने फेस को क्लीन कीजिए और उसके बाद ही अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। बट मैं यहाँ पर आपको फेस वॉश करके नहीं दिखा रही, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। मैंने इसलिए अपने फेस को जस्ट क्लीन किया है, आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, स्किन इवन टोन हो जाएगी, स्किन पर जितने भी डार्कनेस हैं उसे भी ये पैक रिमूव करेगा, आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पैक को रिमूव कर लिया है। आप लाइव रिजल्ट देखिए कि मेरे फेस पर कितना ग्लो आया है, ये बिल्कुल नेचुरल ग्लो है। अभी भी मेरे फेस पर थोड़ा थोड़ा पैक लगा हुआ है, बट आप देखिए कि मेरे फेस पर नेचुरल कितना ग्लो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। ये लास्ट वाले वीडियोस आप ज़रूर वॉच कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।